दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स जो जल्द ही हकीकत बन सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बायो वेपन्स, भविष्य के युद्धों की बात हो तो हमारे दिमाग में छवि आती है घातक फ्यूचरिस्टिक हथियारों की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर हमला कर सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब हम सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनका इस्तेमाल हमारे युद्ध के लिए भी हो सकता है? हाँ, ये बात सच है। इन फ्यूचरिस्टिक हथियारों में से एक ऐसा हथियार है जिसे हम बायो हथियार या बायो वेपन कहते हैं। बायो वेपन्स जो एक टाइम तक साइंस फिक्शन का पार्ट हुआ करते थे, वो अब एक रियलिटी बन चुके हैं। बायो वेपन का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के जीव उजारण जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस को इंटेंशनली प्रोड्यूस और रिलीज करके उनका यूज किया जा सकता है। ये वेपन्स की खास बात यह है कि ये बॉर्डर्स की चिंता नहीं करते, बल्कि ये कहीं पर भी स्प्रेड हो सकते हैं। बायो वेपन्स कितने डेडली हो सकते हैं ये हम सब काफी अच्छे से जान चुके हैं, और बायोलॉजिकल वॉरफेयर काफी एफिशिएंट और इफेक्टिव वे है एनिमी कंट्री पर इनडायरेक्टली अटैक करने का। इसके बाद डेड साइलेंट वेपन सिस्टम, भविष्य के युद्ध में हथियारों की टेक्निक में आए एक शानदार सुधार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम डेड साइलेंट वेपन सिस्टम कहते हैं। इसका नाम सुनते ही लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी शोर नहीं करता होगा, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस हथियार में एक ऐसा नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे ये बिजली की शक्ति पर चलता है, ना कि पुराने गन पाउडर पर। और गन पाउडर का ना होना मतलब ना कोई रिकॉयल, ना कोई साउंड और ना कोई हीट। इमेजिन करें, आप किसी छिपी सी जगह से दुश्मन की तरफ इस हथियार को निशाना बनाते हैं और गोली चलाने के बाद कोई शोर नहीं होता। दुश्मन को कैसे पता चलेगा कि कहां से आपने गोली चलाई है? यही डेड साइलेंट वेपन सिस्टम का जादू है। डेड साइलेंट वेपन सिस्टम एक ऐसा अद्भुत इनोवेशन है जो आने वाले समय में हमारे सेना के लिए एक सशक्त और अनूठा हथियार साबित हो सकता है। हाई मेम्स एक ऐसा हथियार है जो हमारे सेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसका मतलब है हाइब्रिड इंसेक्ट माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। इसमें मौजूद सेंसर्स जैसे कि माइक्रोफोन या गैस डिटेक्टर अपने आप से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे युद्ध क्षेत्र में हमारे सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों और खतरों के बारे में अनुभव करना आसान हो जाता है। हाई मेम्स का उपयोग करके हमारे सैनिक समस्याओं का समाधान निकालने में और उनकी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। ये सेंसर्स दुश्मन के नक्शे को पढ़कर उनका आना जाना जानने में मदद करते हैं और हमारे सेना को समय पर तैयार रहने में सहायक होते हैं। और इसके अलावा हाई मेम्स की टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे नए तरह के सेंसर्स, डिटेक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिवेलप किए जा सकते हैं जो हमारे सेना को और भी अधिक समर्थन दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाई एनर्जी लिक्विड लेजर। आने वाले टाइम में हम लेजर बेस्ड कई डिफेंस एंड ऑफेंसिव वेपन्स को देखेंगे। लेजर वेपन सिस्टम, फिर चाहे वो शिप माउंटेड लेजर कैनन हो, एरियल डिफेंस वेपन हो या फिर हाई एनर्जी लेजर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेटर, ये लेजर काफी पावरफुल होती है। इन्हें इवन रॉकेट मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल्स को शूट डाउन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेजर सिस्टम पिन पॉइंट टारगेटिंग प्रोवाइड करता है जिससे एनिमी के एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल वेपन्स के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है, जहां एक तरफ हम ट्रेडिशनल वेपन्स जैसे मिसाइल्स को यूज करने के लिए उन्हें बनाने, ट्रांसपोर्ट करने, स्टोर करने और मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ लेजर बेस्ड वेपन में बस आपको फायर करने के लिए सफिशिएंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये देखकर और समझकर ही इस लेजर का फायदा पता चल गया होगा। ये एक प्रकार का बदलाव है आने वाले युद्ध के क्षेत्र में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप FCAT एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ FCAT इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। रेलगन एक लीनियर मोटर डिवाइस है जिसे डिजाइन किया गया है एज वेपन, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च किया जा सके। ये एक मॉन्स्टर कैनन की तरह दिखता है जो इवन 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर सकता है, और ट्रेडिशनल वेपन से इस स्पीड की एक्सपेक्टेशन करना बेकार है। हाई स्पीड के चलते ये काफी ज्यादा डिस्टेंस से भी टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है, वो भी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ।
मेटाफ्लेक्स फ्यूचर कैमोफ्लाज एंड क्वांटम स्टेल्थ कैमोफ्लाज। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बिल्कुल इनविजिबल हो जाए तो आपका अनुभव कैसा होगा? अब एक और ख्याल लाइए कि अगर हमारे वीर जवानों के पास ये इनविजिबल होने की शक्ति हो तो हमारे दुश्मनों का क्या होगा? देखिए, हमें ये अभी तक कुछ साइंस फिक्शन की कहानियां लगती थी, लेकिन अब ये कहानी हकीकत बन रही है और ये सब अब हकीकत में हो रहा है। लाइट बेंडिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम स्टेल्थ और मेटाफ्लेक्स फ्यूचर कैमोफ्लाज की मदद से मेटाफ्लेक्स मटेरियल लाइट के सरफेस पर हिट होने के साथ ही उसे बेंड कर देता है, जिसके कारण उसको पहनने वाला सामने से इनविजिबल अपीयर होता है। वही क्वांटम स्टेल्थ यूजर को एक्टिव कैमोफ्लाज प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते एक्चुअल टेक्नोलॉजी के पिक्चर्स को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, पर यह आपको कैमोफ्लाज की इफेक्टिवनेस का आइडिया दे देगा। मिलिट्री टेस्टिंग में यह साफ हो गया है कि क्वांटम स्टेल्थ मटेरियल मिलिट्री यूज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कैमोफ्लाज सिस्टम है और ये इंफ्रारेड एंड थर्मल दोनों के साथ इफेक्टिव है। होलोलेंस। इंडियन आर्मी टाइम के साथ अपने ट्रेनिंग प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करती है और फिलहाल वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के कॉम्बिनेशन को यूज करके इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स की स्किल्स को टेस्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ AI पावर्ड वॉर गेम मॉडल्स एंड सिमुलेशन। फ्यूचर में होलोलेंस सोल्जर्स द्वारा यूज किए जा रहे एक कॉमन इक्विपमेंट होगा जो इनको कॉम्बैट के दौरान असिस्ट करेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम वो सभी डिटेल सोल्जर को प्रोवाइड करने में सक्षम होगी जिसकी उसको बैटलफील्ड में जरूरत होगी। इन होलोलेंस की मदद से सोल्जर स्मोक के पार भी देख सकेंगे और साथ ही अपनी लाइफ को डेंजर में डाले बिना अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद इंफॉर्मेशन को भी बेटर वे में गैदर करके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग में ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसे काफी कम रिसोर्सेज में एक सोल्जर को रियल लाइफ सिनेरियो के लिए ट्रेन किया जा सकता है। नेक्स्ट, एडवांस ग्रेनेड लॉन्चर। एडवांस ग्रेनेड लॉन्चर को हम प्रोग्राम्ड करके 25 ग्रेनेड्स तक फायर कर सकते हैं कितने भी डिस्टेंस के लिए। ये लॉन्चर हमारी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ऑपरेशन के दौरान और भी इफेक्टिव बना देगा जो यूजली स्मॉल टीम्स में ऑपरेट करते हैं। अरोरा एक्सकैलिबर। आज की डेट में हम सभी ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से समझ चुके हैं, पर ये एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म करता है। ये 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने के साथ ही मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। और लास्ट में है फ्लाइंग सूट, जो अगेन काफी फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट लगता था, पर अब ये रियलिटी बन चुका है। इस फ्लाइंग सूट में स्मॉल जेट इंजन मौजूद होता है और ये एक सोल्जर को बेटर मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों ने इसके ऑन ग्राउंड ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं और चांसेस काफी ज्यादा है कि आने वाले कुछ सालों में इन्हें सर्विस में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। 16 अगस्त को इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में जेटपैक सूट के टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस टेस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर आर्मी ट्रेनिंग स्कूल की ये वीडियो काफी वायरल हो गई है, जिसमें एक पैरा कमांडो इन फ्लाइंग सूट को टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, बल्कि इसी साल के स्टार्टिंग में आगरा से हमें इन फ्लाइंग सूट के डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो देखने को मिली थी। सोल्जर की टेक्टिकल मोबिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए इंडियन आर्मी ऐसे 48 फ्लाइंग सूट को परचेज करेगी। इन फ्लाइंग सूट को इंडक्ट होने के बाद सोल्जर को रैपिडली फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय किया जा सकेगा। तो ये थे 10 फ्यूचरिस्टिक वेपन्स। अगर आप इस लिस्ट में कोई और वेपन को इंक्लूड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।